2000 देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाने का। यह फैसला अटल जी की रणनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम था। दुनिया के बेहद ही मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक इस प्रोजेक्ट का काम 19 साल पहले शुरू हुआ, जो अब लगभग पूरा होने को है। 19 साल बाद इसी रोहतांग दर्रे को लेकर हुआ है एक और बड़ा फैसला। 25 दिसंबर 2019 को इस सुरंग को मिला एक नया नाम, अटल टनल। अब इस टनल के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। इस टनल को बनाने का फैसला अटल जी ने 3 जून 2000 को लिया और इसके दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई। 8.8 किलोमीटर लंबी ये टनल 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई जा रही है, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये 10.5 मीटर चौड़ी 2 लेन वाली सुरंग है। इसमें आग से सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद हैं, साथ ही आपात निकासी के लिए। सुरंग के साथ ही बगल में एक और सुरंग भी बनाई गई है। इससे सड़क मार्ग से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर घट जाएगी, साथ ही इससे परिवहन का खर्च भी कई करोड़ रुपए कम हो जाएगा। मोदी सरकार के आने के बाद इस काम को और तेज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुरंग का निर्माण तय लागत से 1000 करोड़ रुपए कम में पूरा हुआ है, वो भी तमाम भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों के बावजूद। 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों छोर तक सड़क निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके बन जाने से हिमाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख के बीच सभी तरह के मौसम में सड़क यातायात सुगम हो जाएगा। इससे पहले ठंड के मौसम में इन क्षेत्रों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से 6 महीने तक पूरी तरह से खत्म हो जाता था।